हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको डुअल बूटिंग विंडोज़ के साथ रेड हैट की डुअल बूटिंग बताऊंगा। कैसे आप विंडोज 7 को रेड हैट RHEL 6 के साथ एक साथ दोनों को चला सकते हैं, यानी एक मशीन पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो, सबसे पहले मैं विंडोज 7 इंस्टॉल करूंगा मशीन पे। विंडोज 7 और लिनक्स, जब RHEL 6 और विंडोज 7 की बात आती है तो RHEL 6 को हम बाद में इंस्टॉल करते हैं और सबसे पहले उस पर विंडोज 7 डालते हैं। विंडोज 7 का जो बूट लोडर है बूट MGR और जो लिनक्स का बूट लोडर ग्रब है, लिनक्स का जो बूट लोडर ग्रब है वो हायर वर्जन है MGR से, बूट MGR से। इस वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम RHEL 6 बाद में डालना होता है। अगर हम इसको पहले डाल देंगे तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि यहाँ पर बूटिंग की प्रॉब्लम आएगी। उस केस में सिर्फ लिनक्स ही चलेगा और विंडोज़ नहीं चलेगा, विंडोज़ करप्ट हो जाएगा। सॉरी, अगर हम बाद में विंडोज़ 7 डालते हैं तो लिनक्स हमारा करप्ट हो जाएगा और विंडोज़ 7 चलेगा, क्योंकि बूट MGR जो बूट लोडर है वो उसके अंदर लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है विंडो RHEL 6 के बूट लोडर को, उसकी बूट कॉन्फ़िगरेशन उस पर सेव नहीं हो पाती, इस वजह से वो उसको MBR से पिक नहीं कर पाता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले विंडो 7 डाल रहा हूँ, देन इसी मशीन पे मैं विंडो RHEL 6 डालूँगा। तो ये जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं कि विंडो 7 का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, ये भी इसके साथ देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं सेटअप इज स्टार्टिंग, मैंने विंडो 7 का CD डाल रखा है मशीन में, उससे ही इंस्टॉलेशन चल रहा है। ओके, यहाँ आप विंडो पे देख रहे हैं कि ये x86 आर्किटेक्चर और x64 आर्किटेक्चर है, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ का x86 आर्किटेक्चर इंस्टॉल करूँगा। सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ लाइसेंस एग्रीमेंट है माइक्रोसॉफ्ट का, ये लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं अपग्रेड ऑप्शन है। अपग्रेड ऑप्शन में हम विंडो 7 से अगर हमें विंडो 8 करना हो या विंडोज़ विस्ता से विंडो 7 करना हो तो ये अपग्रेड ऑप्शन यूज़ करते हैं। हमें फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है इसलिए हम कस्टम ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ आपके पास देख सकते हैं कितना ड्राइव है, तो यहाँ से मैं एक पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, प्राइमरी पार्टीशन। इसमें मैं 30 GB का पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, अप्लाई करते हैं। ओके, ये 30 GB का पार्टीशन है, इस पार्टीशन को सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये जो विंडो 7 है ये 30 GB के पार्टीशन पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए वीडियोस को पॉज करते हैं, जैसे ही कंप्लीट होगा आगे प्रेस करेंगे। फाइनल होने वाला है इंस्टॉलेशन, लास्ट स्टेज पे है। जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, एक बार विंडो से लॉगिन लेंगे, देन अगेन RHEL 6 की DVD डाल के इसको दोबारा से
ऑरिजिनल 6 इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने सिस्टम में डीवीडी आरएचएल 6 का डीवीडी इंसर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं इंसर्ट करते ही बूट कर गई है सीडी। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंस्टॉल और अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है इंस्टॉल सिस्टम विद बेसिक वीडियो ड्राइवर। थर्ड ऑप्शन है रेस्क्यू इंस्टॉल सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव। तो फर्स्ट ऑप्शन, जैसे हमें फ्रेश इंस्टॉलेशन या अपग्रेडेशन करना होता है तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर हमें फर्स्ट क्लीन इंस्टॉलेशन करना है या फिर अपग्रेड करना है विंडो आरएचएल 6 5 से आरएचएल 6 में अपग्रेड करना है, तो आप अपग्रेड ऑप्शन या इंस्टॉल ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन आपका है इंस्टॉल सिस्टम विद बेसिक वीडियो ड्राइवर। इस सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा कि आपका जो आरएचएल 6 का इंस्टॉलेशन होगा वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होगा या फिर जो रेजोल्यूशन होगा वो बहुत लोअर होगा। देन थर्ड ऑप्शन है जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेयर करना होता है, थर्ड ऑप्शन तब यूज़ करते हैं अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिपेयर करना है। आरएचएल 6 पहले से इंस्टॉल्ड है और उसे हमें रिपेयर करना है तो रेस्क्यू इंस्टॉल सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमें इंस्टॉलेशन नहीं करना है, हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, सिस्टम में पड़ा है, उससे हमें बूट कराना है, तो हम फोर्थ ऑप्शन यूज़ करते हैं। देन लास्ट में है मेमोरी टेस्ट। अगर आपको रैम टेस्ट करना है, मेमोरी टेस्ट करना है, तब इसको यूज़ करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे इंस्टॉल और अपग्रेड। फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, देन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क फाउंड, यानी जो मैंने आरएचएल 6 का डीवीडी इसके अंदर इंसर्ट कर रखा है, तो उस वो मैसेज दे रहा है कि डिस्क है इसके अंदर। और इस मीडिया को, इस डिस्क को अगर आप चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि मीडिया सही है या इसमें कोई एरर है, तो आप ओके कर देंगे। अदरवाइज आप स्किप करके आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो मीडिया पूरा चेक होगा, जिसमें टाइम भी लगेगा, और स्किप करेंगे तो मीडिया चेक नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि मेरा जो मैंने आरएचएल 6 का जो डीवीडी इंसर्ट किया है वो प्रॉपरली सही है, कोई एरर नहीं है, तो मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। एंटर करते हैं। यहाँ पर इंस्टॉलर फाइल एनाकोंडा रन करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसका ग्राफिकल व्यू है। देन आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है।
देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने के लिए दे रहा है तो लैंग्वेज चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे यूएस, डिफॉल्ट लैंग्वेज ही रहने देंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ डिवाइसेज हैं जहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन करना है, तो यहाँ पर बेसिक डिवाइस है इसको हमें सेलेक्ट करना है, डिफॉल्ट रहने देंगे। अगर आप इंस्टॉलेशन नेटवर्क पे करना चाहते हो तब उस केस में स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आरएचएल 6 का जो इंस्टॉलेशन मैंने बताया है तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे लिनक्स का इंस्टॉलेशन होता है, एक बार आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा से। यहाँ आप जोन सेलेक्ट कर सकते हो, एशिया कोलकाता, नेक्स्ट, रूट का पासवर्ड इंसर्ट करेंगे, टाइप करेंगे, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर आप यहां देख सकते हैं यूज ऑल स्पेस, पार्टीशन कहां पर कौन कौन से पार्टीशन आप बना सकते हैं या ऑलरेडी जो पार्टीशन बने हैं उसकी, यानी हार्ड डिस्क इंफॉर्मेशन यहां पर शो कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है यूज ऑल स्पेस, इस केस को हमें यहां पर डुअल बूटिंग करनी है तो ऑल स्पेस यूज नहीं करना है। और देन यहां पर आप देख सकते हैं रिप्लेस एग्जिस्टिंग लिनक्स सिस्टम, देन थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं श्रिंक करेंट सिस्टम, फोर्थ है यूज फ्री स्पेस, इसमें क्या होगा अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो फ्री स्पेस यूज करेगा, यहां पर क्रिएट कस्टम लेआउट, तो मैं क्रिएट कस्टम लेआउट सेलेक्ट करता हूं जिसमें मैं खुद से पार्टीशन बना सकता हूं, नेक्स्ट करेंगे। तो ये जो हमारे पास 60 GB का हार्ड डिस्क था उसमें से दो पार्टीशन ऑलरेडी बन चुके थे विंडो 7 इंस्टॉलेशन में, ये 31,436 MB का स्पेस बाकी है, तो इस स्पेस पे हमें लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो यहां पर हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे, क्रिएट रूट, रूट का साइज मैंने दे दिया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको आरएचएल 6 का इंस्टॉलेशन सीखना है तो फर्स्ट वीडियो आप विजिट कर सकते हैं। देन बूट, ओके, अगला एक और पार्टीशन क्रिएट करेंगे, स्वैप, यहां से स्वैप, स्वैप पार्टीशन मैंने 3000 MB रैम का डबल, पार्टीशन क्रिएट हो गया, नेक्स्ट क्रिएट करेंगे, पार्टीशन क्रिएट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहां पर डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस, प्रोसेस स्टार्ट हो रही है लिनक्स इंस्टॉलेशन की, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक ये इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेगा तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ये कंप्लीट होने वाला होगा देन आगे वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। फाइनल होने वाला है इंस्टॉलेशन, सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं।
देन सिस्टम रीबूट करेंगे। जैसे ही सिस्टम रीबूट करेंगे डीवीडी बाहर आएगी, डीवीडी को निकाल लेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ये देखिए रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, एंटर प्रेस करेंगे, स्टार्ट हो रहा है। कुछ फाइनल सेटिंग्स जैसे यूज़र नेम वगैरह आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट करेंगे, यस, देन नेक्स्ट RHN। ये रेड हैट से अपडेट करने के लिए अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो अपडेट तो लेना नहीं है, अभी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप यूज़र नेम दे सकते हो जिस यूज़र से लॉग इन करना है। देन पासवर्ड, फॉरवर्ड करते हैं, यस। टाइम और डेट आप सेट कर सकते हो यहाँ पर, ओके, देन फिनिश। ये आपका इंस्टॉलेशन, लिनक्स इंस्टॉलेशन हो गया है। सो टॉपिक था कि डुअल बूटिंग। एक बार लिनक्स को मैं इस सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि विंडोज 7 20 चल रहा है या नहीं चल रहा है। रिस्टार्ट करने के लिए सिस्टम को मैं रिबूट करता हूं। डुअल बूटिंग चेक करने के लिए जब भी सिस्टम रिस्टार्ट करता है तो आप एरो बटन, अप एंड डाउन एरो बटन को लगातार प्रेस करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है अदर। ये अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके विंडोज़ हैं या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से आप जा सकते हैं। अदर पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका विंडोज़ 7 है। तो अगर आपको RHL से लॉगिन करना है तो फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे, और अगर आपको विंडोज़ 7 से लॉगिन करना है तो आप सेकेंड ऑप्शन यानी अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदर ऑप्शन पर जाके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका विंडोज 7 लॉगिन हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप लिनक्स के साथ विंडोज़ की डुअल बूटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय ब्लॉग।